नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे सिकियार किचन में। फिर हाजिर हुए नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं ऑनियन पराठा। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। तो हम सामग्री देख लेते हैं। यहाँ 2 कप के करीब आटा ले लिया है और 1 हरी मिर्च को थोड़ा सा कूट लिया है मोटा मोटा। 1 चम्मच के करीब मिर्ची पाउडर ले लिया है, धनिया पाउडर ले लिया है 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर ले लिया है और 1/4 चम्मच के करीब मैंने हींग लिया है, 1 चम्मच अजवाइन ले लिया है, 1 चम्मच जीरा ले लिया है, 1 चम्मच सौंफ ले लिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली है और ऑयल है जो हम पराठे के ऊपर लगाएंगे और 1-2 चम्मच हम अपने डो के अंदर डालेंगे। और 3 मैंने प्याज ले लिए मीडियम साइज के, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। पानी जो हमें जितना जरूरत होगी उतना हम यूज करेंगे। तो हम पराठे का आटा लगा लेते हैं, अजवाइन और जीरा ऐड कर देंगे, सौंफ और कसूरी मेथी डाल देंगे, कद्दूकस के लिए जो ऑनियन है वो डाल देंगे, 1 हरी मिर्च कुटी हुई और ये सारे जो ड्राई मसाले लिए थे वो सारे इसमें हम डाल देंगे। एक और 1/2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे ताकि जो हमारे पराठे थोड़े खस्ता बने। इन सभी को एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने मसाले सारे मिक्स कर लिए। एक बार थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जो हम चपाती का आटा लगाते हैं उसी टाइप का हमें सॉफ्ट आटा लगा के रेडी करना है। ये पराठे बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये हम अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के रख सकते हैं। ये हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट आटा लगा लिया है। इस आटे को हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, पराठे सॉफ्ट और खस्ता बने। वेट करते हैं 10 मिनट का। डो को रखे हुए हमें लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा डो को चिकना बना लेंगे हाथ में ऑयल लेके। एक दो बार अच्छे से इसको थोड़ा मसल देंगे। हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। आटे को थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट कर देंगे हाथ को ताकि आटा हमारा चिपके नहीं। पराठा आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा, जैसे थिक या पतला बना सकते हैं। मैं इस टाइप का ले रही हूँ। थोड़ा सा थिक होता है तो ही थोड़ा अच्छा लगता है पराठा। लोई को हम सूखे आटे में डस्ट कर देंगे। और इसे हल्के हाथ से हमें बेलना है, ज्यादा भी प्रेशर नहीं देना है कि जो ऑनियंस बाहर ना निकले। पराठे को हम किनारों से अच्छी तरह से बेलते हुए बढ़ाएंगे। बीच में से हमें ज्यादा इसे नहीं प्रेशर देना है, समान रूप से एक ही तरह से बेलना है हमें। हमारा तवा गर्म हो गया है, पराठे डाल देते हैं हम सिकने के लिए। तब तक ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन होता है तब तक हम दूसरा पराठा बेलेंगे। इसी तरह हम लोई ले लेंगे अपने हिसाब से, जो भी साइज हमें पसंद है, छोटा बड़ा मोटा। डस्टिंग करेंगे। पराठे को पलट देंगे हम। ये साइड से काफी अच्छा सिक गया है, हल्का सा हम दूसरी साइड से सिकने देंगे। फिर हम यहाँ पे ऑयल या घी लगाएंगे।
साइड से भी लगभग सिक गया है हमारा पराठा। ऑयल लगा लेते हैं हम। अगर आपको घी पसंद है तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं, और ऑयल पसंद है तो ऑयल का यूज करें। पराठे को पलट देंगे हम और इधर भी ऑयल लगा देंगे हम, और इसे दबा दबा कर एकदम अच्छी सी गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेकना है। पराठे थोड़े क्रिस्प होते हैं तो ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरह दबाते हुए हमें किनारों से अच्छा से क्रिस्प बना देना है इसे दोनों तरफ से। पराठा हमारे सिक गया है। पराठे को हम इस तरह प्लेट के ऊपर, हमने एक कटोरी रख दी है बाउल, इसके ऊपर हम पराठे को रखेंगे ताकि पराठा इसी तरह क्रिस्पी बना रहेगा। आधा एक घंटे तक इसी तरह क्रिस्पी रहेगा, यहाँ से हवा लगती रहेगी तो सॉफ्ट नहीं होगा। इसी तरह हम अपने सारे पराठों को बना के रेडी कर लेंगे। हमारा ऑनियन पराठा बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। दही और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है मैंने। एक बार आप ये पराठा जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।